यहाँ मुखेड़ में आमदार देगलूर और बिलोली के आमदार एमएलए हैं श्री सुभाष राव जी साहब ने उनकी माँ का देहांत होने पर बहुत सारे नामवर और मान्यवर लोग उनको पुरस्कार देने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी एक शख्सियत नांदेड़ जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर श्री सुरेश काकानी सर जो परसों एक महीने तक नांदेड़ में थे, अभी महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन और एमडी हैं, तो ये भी पुरस्कार देने के लिए आए हैं। सर बताएर सबने सबके माता जी का ध्यान हुआ उनके डॉटर बुलाने के लिए उनकी सांत्वना करने के लिए आज मैं आया हूँ। उनकी माता जी की खासियत ये थी उम्र के 90 साल तक वो खेती का काम करते रहे और खेती के साथ साथ जो भी जरूरत पड़े उनके पास में आया करते थे, उनको भी मदद करते थे। तो बहुत बड़ी हानि इस एरिया की भी है, उनके परिवार की तो हुई है, लेकिन उनके जो अवलंबक थे उनकी बहुत बड़ी हानि हुई है और ईश्वर उनको शक्ति दे ये हानि बर्दाश्त करने के लिए और अगले राह पर चलने के लिए। नई पोस्ट अभी मैं महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन हूँ, जिसके चेयरमैन ऑनरेबल सीएम साहब है, जो इस कंपनी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को एयरपोर्ट से कनेक्ट करने का हमारा प्लान है। और उसमें पहले प्लान में हम 10 एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं, 10 में से एक शिरडी का भी एयरपोर्ट है जो साउथ इंडिया के मान लो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, यहाँ से काफ़ी भाविक यहाँ पे आते हैं। तो उसका अगले महीने में उत्तर करने हम जा रहे हैं। गुना का भी एयरपोर्ट है, नागपुर का है, अमरावती का है, सोलापुर है, ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एयरपोर्ट बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें निश्चित रूप से हमको ये साल में हमको अपेक्षित यश है वो हमको मिलेगा और पब्लिक को भी एयरपोर्ट की सुविधा प्राप्त होगी और उसके मुताबिक वो अपना जो आना जाना है उसके साथ में खेती उपज जो माल वाहक है वो भी एयर के माध्यम से हो, ऐसा भी हमारा प्रयास है। यहाँ मैं एक बात ये बताऊँ कि श्री सुरेश काकानी सर जो नांदेड़ ज़िले के कलेक्टर थे, ये इंतहाई कामयाब कलेक्टर रहे और इनके दौर में जलयुक्त शिवार योजना एक बहुत अच्छी स्कीम यहाँ पर एमएलए साहब के माध्यम से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से शुरू हुई थी। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल मन्नान के साथ मोहम्मद अल्ताफ मुंसिफ टीवी के लिए मुखेड़ से।